उत्तराखंड के नैनीताल से एक चौंका देने वाली खबर आ रही है। लगातार कई जगहों पर हो रहा भूधसाव और कई जगहों पर पड़ रही दरारें ये बता रही है कि कहीं फिर से झील में न समा जाए लोअर माल रोड का हिस्सा। जी हां, नैनीताल की क्षतिग्रस्त लोअर माल रोड का 4 साल से स्थायी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। खबरों की माने तो पिछले साल जुलाई में हुई बारिश के बाद विभाग ने लोअर माल रोड में दरार और भूधसाव को कंक्रीट और डामर से भर दिया था, लेकिन अब फिर से सड़क में भूधसाव और दरारें नजर आने लगी। अमर उजाला की वेबसाइट में छपी खबर की माने तो शासन ने लोअर माल रोड की स्थायी मरम्मत के लिए बजट ही स्वीकृत नहीं किया है। छपी खबर के मुताबिक साल 2018 में लोअर माल रोड का 25 मीटर हिस्सा टूटकर झील में समा गया था, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने 82 लाख रुपए के बजट से झील में बेस बनाकर मशीन से ड्रिलिंग और पाइप डालकर अस्थायी ट्रीटमेंट किया था। 4 साल तक माल रोड अस्थायी समाधान के भरोसे टिकी रही। तब विभाग ने कई भूगर्भ विशेषज्ञों से क्षेत्र का सर्वे भी कराया, जिसके बाद सड़क के स्थायी उपचार के लिए कई योजनाएं बनाई गई। पिछले साल जुलाई में लोअर माल रोड के क्षतिग्रस्त हिस्से में फिर करीब 10 मीटर तक दरारें आ गई थी। इस पर लोक निर्माण विभाग ने कंक्रीट डालकर दरारों को भर दिया था। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग ने लोअर माल रोड में आई दरारों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया, लेकिन किसी ठेकेदार ने टेंडर नहीं भरा। अब फिर लोअर माल रोड में दरारें और भूधसाव दिखने लगा है। जानकारी है कि THDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी पिछले साल लोअर माल रोड के क्षतिग्रस्त हिस्से का प्राथमिक उपचार करने का सुझाव दिया था। इस पर PWD के अधिकारियों ने 1.25 करोड़ की लागत से क्षतिग्रस्त हिस्से का प्राथमिक उपचार करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक यहां काम भी शुरू नहीं हो पाया। वहीं छपी खबर के मुताबिक लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता GS जनौटी का कहना है कि लोअर माल रोड के स्थायी उपचार के लिए 3.54 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अभी तक शासन से बजट पास नहीं हुआ। मरम्मत के काम के लिए टेंडर जारी किए थे, लेकिन किसी ने टेंडर नहीं भरा। शासन से बजट स्वीकृत होने के बाद ही लोअर माल रोड की स्थायी मरम्मत कराई जाएगी।